नमस्कार, मैं अंजु रजावत आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बथुए का साग, जो कि बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। और बथुआ बहुत ही बढ़िया फायदेमंद होता है, प्रोटीन से भरपूर। सर्दी का टाइम है तो चलते हैं किचन की तरफ। तो आज हम बथुए का साग बनाने वाले हैं। बथुए का साग बहुत ही बढ़िया लगता है, इसे कई तरह से बनाया जा सकता है। बथुए की कढ़ी भी बनती है और इसे काट के और दाल के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसको बनाएंगे छाछ के साथ। तो देखिए, हमने ले लिया है बथुआ। बथुआ बहुत ही बढ़िया लगता है, सर्दी के मौसम में बथुआ खूब मिलता है। तो हम इसकी नरम नरम जो पत्तियाँ हैं ना, इन्हें तोड़ लेंगे और इसके जो मोटे मोटे से डंठल है इसे हम हटा देंगे। तो देखिए, हमने सारे डंठल हटा दिए हैं और इसकी नरम नरम सी पत्तियां रख ली है और इसको हमने अच्छे से कम 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो हम इसमें 1 गिलास या फिर आप 1.5 गिलास से पानी डाल सकते हैं, बथुआ कितना है उसी हिसाब से पानी डलेगा। तो ये हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और अब इसके अंदर हम इस सब्जी को डाल देंगे। तो बथुए को ना हमें उबाल के और सब्जी बनानी है, तो इसके लिए हम इसको इसमें डाल के और इसे उबाल लेंगे। तो अब इसी के साथ हम इसमें 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची थोड़ी तीखी हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हरी मिर्ची तीखी कम है तो आप 4 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 5 या 6। तो इसे हमने कुछ टाइम के लिए ढक के रख दिया है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से पलट देंगे, पूरे बथुए को हम इसी तरह से पलट देंगे और इसे थोड़ी देर और बॉईल कर लेंगे, क्योंकि अभी अच्छी तरह से बॉईल नहीं हुआ है। तो हम इसे 2 मिनट के लिए और बॉईल कर लेते हैं। तो बथुआ बॉईल हो चुका है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत बढ़िया उबल चुका है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। तो गैस बंद कर दिया है और बथुए को छलनी में निकाल लेंगे। बथुए को छलनी में निकाल के और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे इस कटोरे में निकाल देंगे और निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। और इसी बीच में हम मिर्ची के अंदर जो डंठल है ना, उन डंठल को भी हटा देंगे। तो इसे पहले इस तरह से फैला देते हैं। अब सारी मिर्चियों के डंठल हटा देंगे। तो अब एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में इसको हम पीस लेंगे। तो हमें इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है और इसी के अंदर हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन हमने बिल्कुल कच्चा इसके अंदर डाला है। कच्चे लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में और बहुत फ़ायदा भी करता है। ये हमने 5-6 कली इसकी रख ली है ताकि बाद में हम तड़का लगाएंगे तो उसमें काम आएगा। अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, बथुए को हमने पीस लिया है और इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। एक बाउल के अंदर इसको निकाल देते हैं। तो सब्जी में तड़का लगाने के लिए हमने ले ली है 2 चुटकी हींग और थोड़ा सा लहसुन जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और 1 हरी मिर्च, 1 प्याज, जीरा, मेथी और राई। तो गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर हम 1 बड़ी चम्मच भर के तेल डालेंगे। तो तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो गया है और उसके अंदर हमने राई, मेथी और जीरा तीनों एक साथ डाल दिया है। अब इनको हम थोड़ा सा तड़कने देंगे। तो अब इसी के अंदर डाल देंगे हींग। लहसुन को भी इस तेल के अंदर डाल देंगे और लहसुन का कलर एकदम चेंज हो जाना चाहिए, बिल्कुल ब्राउन लहसुन हो जाएगा ना, तब तक हम लहसुन को इसी में पकने देंगे। तो देखिए, लहसुन का कलर एकदम चेंज हो चुका है। अब इसी के अंदर हम मिर्ची और प्याज डाल देंगे। मिर्ची और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर एकदम चेंज हो जाना चाहिए। अब इसी के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, यानी कि बढ़िया फ्राई हो गए हैं। अब हम इसी के अंदर बथुए का जो पेस्ट बना के हमने रखा हुआ है उसको इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। टेस्ट के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। तो हमने 1/3 चम्मच नमक इसमें डाल दिया है। तो सब्जी को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम 1 बाउल भर के छाछ लेंगे। छाछ एकदम खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश छाछ होनी चाहिए। तो हम 1 बाउल भर के छाछ इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। अगर इसको छोड़ देंगे तो छाछ ना कई बार क्या होता है, सब्जी में फट जाती है तो वो अलग से ही एकदम दिखने लगती है, इसलिए हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब इसी बाउल से नाप के और आधा बाउल हम इसमें पानी डाल देंगे।
तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता ना, तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। तो सब्जी में उबाल आ चुका है, अब हम इसे क्या करेंगे, एक मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देते हैं। एक मिनट हो चुका है और सब्जी बहुत ही बढ़िया उबल चुकी है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप से ही रहनी चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा पानी या ज़्यादा छाछ नहीं डालना है। दो हमने लाल मिर्च ले ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो हम इसके चार टुकड़े कर लेंगे इस तरह से और इसके बीज निकाल देंगे। तो ये हमने मिर्ची ले ली है और इसके सारे बीज हमने अलग कर दिए हैं। अब हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और पैन के अंदर एक चम्मच घी डालेंगे, घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो ये घी गर्म हो गया है, अब इसी के अंदर हम मिर्ची को डाल देंगे। बथुए की सब्जी में अगर इस तरह से तड़का लगाया जाए ना, तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है सब्जी में और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो मिर्ची को हल्का हल्का सा हम इसमें पकने देंगे। मिर्ची का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा ना, हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए मिर्ची का कलर चेंज हो चुका है, तो हमने गैस बंद कर दिया है और अब हम इसको सब्जी के अंदर डाल देंगे। इस सब्जी के साथ खाने के लिए हमने बनाई है बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी और बथुए का साग बहुत ही बढ़िया लगता है, जैसे सरसों का साग और मक्की की रोटी बनती है, वैसे ही राजस्थान की सबसे फेमस है बाजरे की रोटी और बाथड़े का साग। तो इसके ऊपर हम घी रख देंगे, घी के साथ रोटी बहुत बढ़िया लगती है। बहुत ही आसान है बाजरे की रोटी बनाना। आप गैस के ऊपर मिट्टी का तवा रखिए, मिट्टी के तवे में ये रोटी बहुत बढ़िया बनती है, तो आप गैस के ऊपर ही इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो चूल्हे में भी बनाएं, लेकिन चूल्हा नहीं है तो आप गैस के ऊपर बनाइए। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बथुए का साग बना है और बहुत ही आसान है, तो आप भी जरूर बनाइए। और आपको हमारी रेसिपी पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।